हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 30 डेज में 90+% को स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, 30 डेज में 90+% आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने इन टिप्स को प्रॉपरली फॉलो किया होगा। तो पहली टिप से कि आपको सोशल मीडिया छोड़ना होगा, यानी आपको एग्ज़ाम के इन 30 दिनों के पहले सोशल मीडिया को यूज़ करना बंद करना है। फेसबुक, इंस्टा, इन सब से अपनी दूरी बना लेनी है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और की एलिमेंट है वो है पास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस। आपको 5 या 10 साल के पेपर बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेने हैं। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया, आप बुक या नोटबुक जिससे भी आप रिविजन करने वाले हो वहाँ वो क्वेश्चन ईयर मेंशन कर दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये टॉपिक कितनी बार आया हुआ है, कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात अगर हम करें तो वो है क्वालिटी स्टडी। ये नहीं कहूँगी मैं कि आपको 16 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, जितना टाइम भी आप पढ़ें क्वालिटी के साथ पढ़ें। भले आप 4 घंटे ही पढ़िए, उतने टाइम आप फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये आप, और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्या इस टॉपिक में से क्वेश्चन बन सकता है, ये अगर आप सोच समझ कर पढ़ेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको क्वालिटी स्टडी पे फोकस करना है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है MTR, यानी मल्टीपल टाइम रिविजन। आपको अपने जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसको बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आप उस चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे और आपको उसे क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आपका माइंड उस चीज़ को खुद ब खुद समझने लग जाएगा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है हाइलाइटर यूज़ करना, यानी जब भी आप पढ़ें नोट्स को तो आप उसे अंडरलाइन या हाईलाइट ज़रूर कीजिए, ताकि आप जब सेकेंड टाइम रिविजन करें तो आपको आसानी हो उसे वापस पढ़ने में। आपको फिर से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड ना पढ़ने पड़े और आप कुछ वर्ड को पढ़ के ही अपने कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉल कर पाएंगे। सिक्स जो पॉइंट है वो है समरी नोट्स, यानी जब भी आप पढ़ें आप उस चीज़ को डेली के डेली एक पेज के अंदर आप उस एक टॉपिक को मान लीजिए जितने कम शब्दों में समराइज कर पाएं, लाइक एक लाइन हो, दो लाइन हो, एक दो वर्ड या फ्लो चार्ट, डायग्राम, इनके थ्रू आप जितना हो सके उसे जो है अपनी समरी नोट्स में लिखिए, ताकि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले जब आप रिविजन कर रहे होंगे तो आपको ये जो समरी नोट्स है वो बहुत हेल्प करने वाले होंगे। सेवेंथ जो पॉइंट है वो है आपका पॉजिटिव रहना और मोटिवेशन, यानी आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है। आपको कभी भी अपने दिमाग में ये थॉट नहीं लाना है कि ये मुझसे नहीं होगा, मेरे से 90% नहीं आएंगे। आपको हमेशा ये सोचना है यस आई कैन डू इट, और मैं इसे 90% से ऊपर ही लेके आऊँगा, ये आपको हर पल सोचना होगा। फिर है हमारा 8th पॉइंट सोशल डिस्टेंसिंग। आपको एग्ज़ाम के 1 महीने पहले सारी पार्टीज़ वगैरह अवॉइड करनी है, जितना हो सके ज़्यादा टाइम अपने बुक्स के साथ एनालिसिस में बिताइएगा, ताकि आपको अपने लक्ष्य और गोल को जल्दी से अचीव कर पाएं। 9th नंबर जो पॉइंट है वो है अननेसेसरी आपको नहीं पढ़ना। आपको केवल किस पे फोकस करना है, एग्जाम के पैटर्न पे, कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ये आपने ऑलरेडी जो पास्ट ईयर का एनालिसिस किया होगा तभी आपके ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। फिर है 10th नंबर पॉइंट, वो है वेट के अकॉर्डिंग। तो आप पहले उन टॉपिक को पढ़िए जिनका ज़्यादा मार्क्स वेटेज है एग्ज़ाम के अंदर। जो छोटे टॉपिक है और जिनका मार्क्स वेटेज कम है उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर है हमारा अगला पॉइंट है जो कि अर्ली राइजर है, जैसे कि जिनको जल्दी उठने की आदत है, वो अगर सुबह 4 बजे आपको जल्दी से उठना है और उसी के बाद 4 से लगभग 8-9 बजे तक आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक जगह बैठ के पढ़ना है। आप हर 50 मिनट के बाद अपना आसन चेंज कर लीजिए। अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप घूम के पढ़िए, आप घूम के पढ़ रहे हैं तो आप बैठ के पढ़िए। तो ये आपको आसन चेंज करना है, क्योंकि अगर आपने एक ही जगह बैठ के पढ़ाई की तो आपको बोरियत ज़्यादा होने लगेगी। फिर है जो लेट नाइट पढ़ते हैं, अगर उनकी बात करें तो लेट नाइट वालों को ऐसा नहीं कि आप 2 बजे उठ के पढ़ रहे हैं और सुबह के, तो वो ज़्यादा उससे अच्छा है कि आप 9 बजे खाना खाइए और 9 बजे से लेकर 2 बजे या 1 बजे तक पढ़िए, उसके बाद सो जाइए, ताकि आप सुबह भी लगभग 8 बजे के आसपास उठ पाएँ और अपना आगे का शेड्यूल भी उसी अकॉर्डिंग आप करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है जो 13 नंबर है वो है प्रॉपर डाइट। आपको अपनी पढ़ाई के दौरान अपने खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना है। आपको फल, दूध, सब्जी ये सब ज़्यादा खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाने हैं, फास्ट फूड से दूर रहना है, क्योंकि
अगर आपने फास्ट फूड खाए तो आपका जो बॉडी है वो उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, आपको आलस, नींद ये सब ज़्यादा आएगी, जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आप जो है फास्ट फूड अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे दो गोल्डन रूल जो आपने थंबनेल में देखे, 50-10 का रूल और दूसरा 20-80 का रूल। पहले 50-10 के रूल को अगर हम समझें तो आपको 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट आप घूम सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना कोई अदर एक्टिविटी कर सकते हैं, फिजिकल वर्क कर सकते हैं, घर का कोई काम कर लीजिए। 50 मिनट के बाद आप 10 मिनट अपने आप को रेस्ट देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 50-10 का रूल। दूसरा जो रूल था 20-80 का रूल, इसमें क्या है कि आपको 20% ऐसा सिलेबस के टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जो आपको 80% मार्क्स दिलाने की हैसियत रखते हैं। तो ये टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, चाहे क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो जाए बट ये टॉपिक एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो ये 20% टॉपिक 80% अगर मार्क्स दिला सकते हैं तो बाकी के 80% सिलेबस में से अगर आपने 10-20% भी पढ़ लिया तो आप आसानी से 90% स्कोर कर सकते हैं। इसलिए अननेसेसरी टॉपिक्स जो हैं उनको अवॉइड कीजिए, केवल और केवल इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो आलस के कारण हम उस पानी को बार बार पीना भूल जाते हैं कि हमें पानी पीना चाहिए। इससे हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और आपका ब्रेन भी कम काम करने लगता है, आपकी मेमोरी पावर है वो वीक हो जाती है। अगर आप पानी अपने साथ रखेंगे तो आप एक दो घूंट हर थोड़े टाइम बाद पीते रहेंगे, जिससे आपके ब्रेन में एक्टिविटी अच्छे से होती रहेगी, आपका ब्रेन भी अच्छे से परफॉर्म करेगा और आपको लर्न करने में भी काफ़ी अच्छी हेल्प मिलने वाली है। तो आई होप सो इसके साथ आप जो है कपालभाति का अनुलोम विलोम व्यायाम भी कर सकते हैं। और ये कभी मत सोचिएगा कि एक्सरसाइज करने से आपका टाइम वेस्ट होता है, ये आपके बॉडी और ब्रेन को काफ़ी एक्टिव बनाते हैं और आपके जो मेमोरी पावर है उसको शार्प बनाते हैं, ताकि आप जो एक घंटे में पढ़ने वाले थे वो आप 15-20 मिनट में लर्न कर पाते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।